है गाइस तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाँच ओय समूह की अलग अलग कार्बन पर होने का प्रूफ यानी ये क्या है देखो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज का सूत्र आपने देखा होगा नहीं देखा तो अभी मैं आपको बताता हूँ और ट्रिक भी आपको बता दूंगा जिससे आपको ग्लूकोज का सूत्र भी याद हो जाएगा ठीक अब ग्लूकोज के सूत्र में जो ओय समूह होता है ये पांच ठू लगे, लगे होते हैं यानी पाँच ओय समूह लगे होते हैं ग्लूकोज में ठीक और पांचों ओया समूह जो होते हैं ये अलग अलग कार्बन पर लगे होते हैं ठीक तो यानी कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे इसका प्रूफ दो कैसे आप बता सकते हो कि पांच ओ समूह होते हैं अलग अलग कार्बन पर ठीक तो ये चीज आप कैसे बताओगे ठीक तो इस चीज का आज हम लोग यहां पर प्रूफ देखेंगे ठीक प्रूफ आपको हम बताएंगे देखो कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले जाता है कि जो ग्लूकोज होता है उस पर पांच ओ समूह अलग अलग होने की पुष्टि करिए या उसका प्रूफ दीजिए ठीक आप कैसे कह सकते हो कि हर एक कार्बन पर एक ही एक ओय समूह होता है यानी पांच कार्बन पर अलग अलग ओय समूह अलग अलग होता है ठीक इस चीज का आप हमें कैसे प्रूफ देंगे ठीक तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट भी है और आज हम लोग इसकी जानकारी पूरी लेंगे ठीक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है और ग्लूकोज को सूत्र याद करने की आपको मैं ट्रिक बताता हूं मतलब इस तरीके से बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए ठीक तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हे है दी अंशु एंड योर वॉचिंग टॉपिक नॉलेज देखो ग्लूकोज का पहले सूत्र क्या होता है इसको पहले देख लो तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है सी सिक्स एच टे होता है, है ग्लूकोज का सूत्र ठीक चलिए मैं आपको इसका संरचना बताता हूं जहां पर आपको पांच ओय समूह आपको दिखेंगे अलग अलग कार्बन पर ठीक तो देखो इसका जो संरचना है वो ऐसे बनाया जाता है देखो पहले ही देखो कितने छह कार्बन है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी तरीके से छह कार्बन बना देंगे ठीक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करके छह कार्बन बना देंगे तो ये कितने हो जाए तीन चार और ये हो गया पांच और उसके बाद ये हो गया ठीक यानी कार्बन हो गए अब सबसे ऊपर जो होता है यानी सबसे ऊपर वाले कार्बन पर ये होता है सी एच ओ समूह सबसे ऊपर होता है ठीक यानी कि सबसे ऊपर आपको सबसे पहले आपको सी एच ओ समूह लिख देना ठीक इस तरीके से उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको लिखना है एच ओ एच ठीक एच ओ एच सब में लिखता जाना ठीक एच ओ एच इसमें भी लिखना है एच ओ एच और यहाँ पर भी लिखना है एच ओ एच ठीक अब देखो यहाँ पर गिनती करो कितने आ, देखो कार्बन तो छः हो गए ठीक क्योंकि छः कार्बन बारह हाइड्रोजन ओ यानी कि ओ भी छः होने चाहिए ठीक अब देखो यहाँ पर गिनती कर लो पहले देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहले गिनते हैं देखो छह कार्बन तो हो गए ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः छः ऑक्सीजन भी हो गए चलो हाइड्रोजन देखते हैं हाइड्रोजन बारह है कि नहीं ठीक देखो एक हाइड्रोजन दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह ही हुए बारह होना चाहिए ठीक तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे ठीक तो ये होती है ग्लूकोज की संरचना ठीक तो देखो कितने आसानी से आपको याद हो गया ठीक बस आप इतना याद रखो सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक इसकी संरचना आप आसानी से बना सकते हो ठीक अगर आप यहाँ पर देखो देखो इसको आप ऐसे भी बिना सकते हो तो यानी इसको आप ऐसे बिना सकते हो ठीक कैसे देखो सी एच ओ समूह को ऐसे लिखो बाकी यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर देखो ये वाला जो एच है इसको आप इधर सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हो ठीक और ये यह यहाँ पर जो ओ एच है इसको आप ऐसे लिख दो ठीक इस तरीके से इसमें भी लिख दो ठीक उसके बाद इसी तरीके से इधर भी लिख दो ठीक उसके बाद कितने एक कार्बन दो तीन चार पाँच ठीक ये पाँच हो गया ओ एच हो गया और यहाँ पर सी एच टू ओ एच ठीक अब देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच देखो पाँच कार्बन ठीक यहाँ पर भी ओ एच लगा ठीक देखो इस कार्बन पर एक ओया समूह एक लगा इस पर भी एक समूह लगा इस पर भी एक लगा इस पर भी एक लगा इस पर भी एक लगा ठीक देखो हर एक कार्बन पर ओया समूह जो है वो अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है ठीक तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका प्रूफ दो मुझे कि हाँ अलग अलग ओया समूह हर कार्बन पर लगा है ठीक हमें देखने को तो मिल रहा है लेकिन इसका प्रूफ दो मुझे ठीक तो चलिए कैसे देते हैं कैसे बताएंगे इसका प्रूफ तो चलिए आपको बताते हैं ठीक वैसे तो अगर हमें लिखित में ना देना हो ऐसे मौखिक अगर हमें बताना हो तो हम लोग ऐसे भी प्रूफ करके बता सकते हैं आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं कि हाँ आ, हर एक कार्बन पर पांच ओय समूह होते हैं अब इसको कैसे बताएंगे देखो आपको पता है ना कि ये या, या, यानी कि जो देखो सबसे पहले आपको बता दूँ कोई अगर किसी भी कार्बन पर मान लो कोई एक कार्बन है अगर उस कार्बन पर एक ओय समूह जुड़ा है तो तो वो कार्बन क्या होगा यानी अस्थाई कार्बन उसको बोलेंगे अस्थाई कार्बन मतलब वो कार्बन अस्थाई है वो किसी से क्रिया नहीं करेगा ठीक अगर किसी कार्बन पर दो ओ समूह हैं तीन ओय समूह लगे हैं एक ही कार्बन पर अगर दो ओय समूह लगे हों या तीन ओए समूह लगे हों या चार ओय समूह लगे हों मतलब एक से ज्यादा अगर ओए समूह किसी कार्बन पर लगे हैं तो इसका मतलब वो कार्बन अस्थाई नहीं है वो कार्बन अस्थाई है वो किसी से भी क्रिया कर सकता है ठीक किसी से भी कर सकता है अब देखो यहाँ पर अगर देखो सबसे पहले आप, आपको बता दूं अब यहां पर आप मुझे बताओ क्या ग्लूकोज स्थाई होता है या अस्थाई होता है ग्लूकोज स्थाई है या अस्थाई है देखो स्थाई है भाई देखो क्यों देखो आप जब आप अपने बाजार में जाएंगे आप जब मार्केट में जाएंगे यानी तो मार्केट से आप ग्लूकोज खरीद के जब लाते हैं ठीक पानी गर्मी में पी, पा, यानी पीने के लिए आप लाते होंगे ठीक जब आप ग्लूकोज वहाँ से खरीद के लाते हो तो क्या घर लाते लाते आपका ग्लूकोज किसी से क्रिया कर लेता है अरे देखो आपके प्रकृति में वातावरण में बहुत सी गैसें फैली हुई हैं किसी से भी क्रिया कर सकता है क्योंकि वो अगर वो स्थाई ना होता तो वो किसी से भी किया क्रिया कर लेता आप बाजार से खरीद के लाते ग्लूकोज और घर पे आपको कुछ और मिल जाता क्योंकि वो क्रिया करके कुछ और बन जाता है ना ऐसा होता है ना लेकिन ऐसा थोड़ी है आप ग्लूकोज खरीद के लाते हो क्या घर में आपको कुछ और मिल जाता है ग्लूकोज ही तो मिलता है है ना तो समझ रहे हो ना तो ग्लूकोज इसका मतलब कि ग्लूकोज अस्थायी है क्योंकि वो किसी किसी से भी क्रिया नहीं कर रहा है इसका मतलब वो है ठीक तो इस तरीके से भी हम भी समझ सकते हैं कि हाँ, इसके हर कर... तो मतलब कार्बन पर एक ही एक ओय समूह लगा है अगर किसी पर दो या तीन ओय समूह लगे होते तो इसका मतलब ये ग्लूकोज स्थाई ना होता लेकिन हमें खुद पता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम खुद देखते हैं कि ग्लूकोज स्थाई होता है तो लॉजिक लगाकर भी हम बता सकते हैं कि इसमें जो कार्बन पर हर एक कार्बन पर अलग अलग एक ही एक ओय समूह लगा होता है ठीक पांचों कार्बन पर यानी अलग अलग ओय समूह लगा होता है ठीक लेकिन अब आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है कि आप मुझे इसका प्रूफ दो हमें क्या पता आप हमें लिखित प्रमाण दो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है तो यहाँ पर जो चीज़ मांगा जाता है वो सब लिखित ही मांगा जाता है ठीक तो मौखिक नहीं आप मुझे प्रूफ दो तो इसका प्रूफ कैसे बताओगे चले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसका प्रूफ दोगे ठीक अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखो सी एच ओ एस सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच देखो तीनों सेम है ना ये भी वही ए बी वाई ये बी वाई ये भी वही ठीक तो देखो एक दो तीन चार यानी चारों तो सेम है ठीक तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब इसको छोटा अगर लिखना चाहें इतना बड़ा सा शोध कहाँ लिखेंगे ठीक तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच ओ एच का होल फोर लगा देंगे और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है सी एच टू ओ एच ठीक तो इसको हम छोटा से ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप ग्लूकोज लिखें तो आप इतना ऐसे छोटा से लिख दिए ठीक तो देखो जब हम ग्लूकोज की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अलग अलग कार्बन पर यानी कि ओ समूह होता है ठीक क्यों अभी सब रीज़न बता रहे हैं देखो यानी कि सबसे पहले आप समझ लो ये होता है ग्लूकोज क्या होता है पहले उसको लिख लो ये होता है सी एच ठीक उसके बाद होता है ओ एच ठीक उसके बाद पूरे लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर या फिर आप सीधा सी एच ओ एच का होल्ड ऑच लिख के सीधा लिख सकते हो ठीक आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ ठीक यहाँ पर चारों लिख दे रहा हूँ ठीक और उसके बाद ये होता है सी एस टू ओ एस ठीक एक दो तीन चार पाँच छः ठीक ये हो गया हमारा ग्लूकोज ठीक आ, इसकी अब क्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं एस्टिक एनहाइड्राइट क्या होता है देखो सूत्र आपको लिखे दे रहे हैं देखो एस्टिक एनहाइड्राइट का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सी एस थ्री सी ओ का होल्ड वाइज इन टू ओ होता है ठीक ये होता है एस्टिक एनहाइड्राइड ठीक इसका नाम होता है एस्टिक एनहाइड्राइड ठीक याद रख लेना एस्टिक एनहाइड्राइड है ठीक तो एस्टिक देखो यहाँ पर होल ट्वाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सी एच सी ओ उसके बाद सी एच थ्री सी ओ और उसके बाद ये ओ हो गया ठीक देखो सी एस थ्री सी थ्री देखो दो यहां पर थे ना देखो दो थे होल ट्वाइस था तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक आपको समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ठीक अब देखो यहां पर क्या होता है यहां पर ये यह वाला पूरा जो बॉन्ड होता है ये अपना पूरा बॉन्ड अपना यहां से इतना ये जो है वो ये यह यहां से इतना हट जाता है ठीक ठीक जितना मैंने यहां पर चिन्ह लगा दिया है ठीक ये इतना एक साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता है ये ऑक्सीजन इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता है और तोड़ कर फिर क्या हो जाता है मतलब कि ये यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देता है और यहाँ पर जितने भी ओय समूह हैं यहाँ से ये ओय समूह अपना बॉन्ड तोड़ देगा मतलब ओया समूह यहाँ से तोड़ कर हट जाएगा ठीक तो यहाँ पर एक स्थान खाली हो जाएगा इसी तरीके से ये भी अपना स्थान खाली कर देगा ये भी अपना स्थान खाली कर देगा ये भी ओया समूह अपना स्थान खाली कर देगा और उसके बाद ये भी ओय समूह अपना स्थान यहाँ से खाली कर देगा ठीक तो जितने ओ समूह यानी पाँचों ओया समूह जो हैं ये यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ तोड़ कर हट जाएंगे ठीक ये सब ओया समूह हट जाएंगे तो यहाँ पर यानी इन इन ओ समूह के स्थान पर यहाँ पर ये जो है हमारा सी एस थ्री सी ओ ओ ठीक तो ये आकर इन्हीं ओ समूह के स्थान जहाँ से ये हट रहे हैं इनके स्थान पर आकर जुड़ जाएंगे ठीक मैं आपको दिखा रहा हूँ जोड़कर ठीक ये हो गया ये सी एच है और यहां पर इसके यानी ओ समूह यहां से देखो हट गया तो इसका स्थान खाली हो गया तो यहां से ये जो पूरा है ये इसके स्थान पर आकर जुड़ जाएगा ठीक तो ये बन जाएगा हमारा देखो यहां पर इसको हम लिखेंगे सी ओ ओ यानी लिखेंगे सी ओ ओ उसके बाद ये सी एच थ्री है तो सिंगल बाउंड से लिखा है सी थ्री लिख देंगे ठीक इसी तरीके से सगल जुड़ जाएगा ठीक सी ओ सी एच थ्री ठीक इसी तरीके से मतलब जहां जहां ओ एस समूह हटा है वहां वहां ये जुड़ जाएगा ठीक ये हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री और उसके बाद कितने हो गए देखो यहाँ पर एक दो तीन हो गए ये हो जाएगा सी ओ सी एस थ्री और उसके बाद और यहां पर हो जाएगा जाएगा ठीक तो इस तरीके से जुड़ जाएगा अब यहाँ पर ये यह जो ओ एस समूह हटा है ये जो ओ एस समूह हटा है ये कहाँ जाएगा देखो यहाँ पर ये यह जो एस्टिक एनहाइड्राइड है इसके हम पांच अणु यूज करेंगे ठीक देखो यहाँ पर कितने एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पर पाँच से हम गुणा कर देंगे ताकि हमारा जो अवक्रिया है बैलेंस हो जाए ठीक यानी कि पाँच एस्टिक अम्ल हम लेंगे और इसके साथ क्रिया कराएंगे तो पाँचों में से इसी तरीके से हट हट कर यहाँ पर लग जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा देखो इधर क्या बचा इधर बचा है सी एस थ्री सी ओ ये बचा है और यहाँ पर जो ओ एस समूह टूटे हैं ये यह ओ एस समूह यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ठीक ये ओ एस समूह ये भी समूह जुड़ेगा तो ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा यानी पांच ओ जो है वो पांचों ओ एच यहाँ पर जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एस्टिक हम लोग ठीक तो देखो यहाँ पर हमें देखो इसी को इसको देखो ये देखो एक ये मेन प्रोडक्ट आपका बना उसके बाद फिर एक बाई प्रोडक्ट बना ठीक है मतलब ये बाद में बना है तो इसको हम क्या करते हैं इधर प्लस में लिखा करते हैं ना लेकिन यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहां पर लिख दिए हम ठीक तो यहां पर माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर ये बनकर निकल रहा है बाहर निकल रहा है ठीक समझ रहे हो ना आप क्रिया कैसे होता है इसका देखो ये ये तो हमारा क्या है ग्लूकोज है ठीक ग्लूकोज है और इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ग्लूकोज कहो या ग्लूकोज कहो दोनों वही हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एसीटेट ठीक पेंटा एसीटेट है ठीक समझ लो ना देखो ये एसीटेट समूह होता है ठीक ये एसीटेट समूह होता है तो इसलिए पेंटा पांच ना तो पांच एसीटेट समूह होते हैं यानी इसलिए इसको पेंटा बोलेंगे ठीक और ग्लूकोज में पांच एसीटेट समूह जुड़ गए इसलिए ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोलेंगे इसका नाम ठीक तो ये होता है ठीक ये होता है हमारा एसटी अम्ल जो सिरका बोलता है ठीक जिसको सिरका बोलते हो आप वही एसटी अम्ल ठीक है तो पांच एस टी कमल बनता है प्लस में ग्लूकोज पेंटा पेंटाइसिटेट बनता है ठीक तो ये अपक्रिया आप समझ गए ना इतना समझ गए ना अब इसी यानी इसी अपक्रिया से हमें प्रूफ हो जाता है कि इसमें पांच ओया समूह यानी हर कार्बन पर अलग अलग पांच ओय समूह लगे होते हैं ठीक क्यों क्योंकि देखो यहां पर पांच देखो पांच टू यहाँ से निकले और यहाँ से ओय समूह टूटे तभी तो उनके स्थान पर ये जुड़ा तो अगर यहाँ पर अलग अलग ना होता तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे क्रिया हो जाता ठीक तो इस अफक्रिया से हमें पता चल जाता है कि सब पर अलग अलग वोय समूह होते हैं ठीक देखो यहाँ से भी निकला यहाँ से निकला पाँचों व समूह टूट गए और टूट कर एस टी कमलो बन गया ठीक और यहाँ पर ये अपना बाउंड तोड़कर ये इनके स्थान पर आकर जुड़ गया ठीक तो इस तरीके से ये अपक्रिया समझ में आया आपको कि नहीं आया ठीक तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ठीक ये जो जिस टॉपिक के बारे में हमने बात किया ये टॉपिक आपको मिलेगा जब आप क्लास बारह का पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर यानी कि जब केमिस्ट्री में पार्ट टू जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में मतलब आखिरी में पढ़ेंगे जैव अणु जैव अणु चैप्टर में आपको ये आ, मतलब टॉपिक आपको मिल जाएगा ठीक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए हम यहाँ पर आपको बता दिए ठीक तो देखो बोर्ड एग्जाम में जब पूछे तो आप सीधा आप ऐसे बता देना ठीक ऐसे अवक्रिया इसको दे देना और अपक्रिया देकर आप, दे आप सीधा बता देना कि अतः इससे पुष्टि हो जाता है की पाँच ओ एनी यानी पाँच कार्बन पर अलग अलग कार्बन पर ओ समूह होता है ठीक पांच कार्बन पर और यहाँ पर देखो इतना बड़ा जो आपको लग रहा है ठीक इसका शॉर्ट यानी शॉर्ट करके मैं आपको बता दूँ देखो इसको आप ऐसे लिखना एग्जाम में जवाब तो इतना इतना बड़ा ना लिखना मैं आपको समझाने के लिए सब अलग अलग कर दिया हूँ ठीक इतना बड़ा आप सीधा एग्जाम में जब आए तो आप सीधा ऐसे लिखना इसका क्या होता है होल फोर होता है और उसके बाद नीचे क्या होता है सी एस टू ओ एच होता है ठीक सीधा ऐसे लिखना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना ठीक इसको लिख देना इसका नाम है एस्टिक एसिटिक एनहाइड्राइड ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड है और इसकी अब क्रिया जब आप कराओगे तो उसके बाद यहाँ पर पाँच सी यानी एस्टिक अम्ल जो होता है निकल जाता है और यहाँ पर बनता है एच सी एच सी ओ ओ सी एच थ्री इसका लिख देना देखो यहाँ पर कितने हैं एक दो तीन चार चारों मिल रहे हैं तो यहाँ पर फोर लिख देना और यहाँ पर सी एच ठीक यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर सी एस टू ठीक सॉरी यहाँ पर सी टू लिख देना ठीक यहाँ पर क्योंकि नीचे क्या होता है सी टू होता है ठीक तो यहाँ पर सी टू और उसके बाद सी ओ सी ओ सी एच थ्री ठीक तो इस तरीके से बस इतना आपको लिखना है ठीक बोर्ड एग्जाम में और बाकी मैं ऊपर जो इतना बड़ा लिख दिया हूँ ठीक ये सब हम जाने के लिए आपके हैं ठीक तो जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आप ऐसे इतना लिखना सिर्फ ठीक इतना आप क्रिया के बताना ठीक इसका नाम लिख देना यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर लिख देना इसका नाम जो है ठीक ग्लूकोज पेंटाइसिटेट इसका नाम लिख देना ठीक तो इस तरीके से आपको लिखना है ठीक और यहाँ पर सी एस टू होगा ठीक इसको बना लेना ठीक आप समझ गए ना आप आई होप आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको यानी समझ में आया है ठीक तो चलेंगे चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो